तो आपने सुना, लेकिन ये पूरी बात सुनना जरूरी है, क्योंकि लालजी वर्मा बीएसपी के बड़े नेता थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं और अगला कदम क्या होगा, सुनिए ये खास बातचीत। आज अखिलेश यादव से बीएसपी से निष्कासित पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा और रामाचल राजभर दोनों लोगों ने मुलाकात की है। 2022 से पहले नए सियासी संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ लालजी वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज अखिलेश यादव से आपने मुलाकात की? जी हाँ, पहले भी हमने आपसे बात की तो आप कह रहे थे अपने लोगों से बात करेंगे, कुछ अपना संगठन बनाएंगे। अब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद माने कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, साइकिल की सवारी करेंगे? नहीं, अभी ये कोई निर्णय नहीं है। पहले भी हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम नया संगठन बनाएंगे। आज मिले हैं तो आप कितने प्रभावित हैं, कब ज्वाइन करेंगे? कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में एक बड़ी रैली होगी अम्बेडकर नगर में, जहां अखिलेश यादव जाएंगे वहीं अनाउंसमेंट होगा, या लखनऊ में आप ज्वाइन करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा करके अम्बेडकर नगर में ही एक बड़ी सभा करके अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी डेट तय नहीं है और न अभी अक्टूबर का कोई निर्णय है। अभी इस दिशा में कोई चर्चा भी नहीं हुई है। हम लोगों ने अपने समर्थकों से राय मशविरा लेकर निर्णय करने का काम करेंगे। बाहर का रास्ता दिखाया गया और जिस तरह से निष्कासित किया गया, उस तरह से कोई अपने घरेलू नौकर को भी बाहर नहीं निकाल सकता कि बिना उससे कुछ पूछताछ किए ही और बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उससे हम लोग निश्चित रूप से अपमानित महसूस किए, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने तक 2.5 महीने तक लगातार प्रयास किया कि आदरणीय बहन मालती जी का जो गलतफहमी उसको दूर किया जा सके। ऐसा अवसर नहीं मिला। अब अपने लोगों से राय मशविरा करके अगले कदम को फैसला करने का। दोबारा बुलाती हैं तो वापस जाएंगे फिर पार्टी में? अब वो समय बीत गया। अब वापस जाने का एक सीमा होती है और हर आदमी को राजनीति में अगर हमें समाज की सेवा करना है तो उसके लिए हम लोगों को मिलजुल कर अब एक ऐसा निर्णय, चूँकि जिस तरह से निष्कासित किया गया, पहले शुरुआती दौर में अगर वो बात होती तो निश्चित रूप से हम लोग वापस चले जाते। अब वो समय निकल। तो बिल्कुल, अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, लालजी वर्मा का दर्द आपने सुना, लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति क्या है जरा इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। विरोधी दलों से आए मजबूत नेताओं को जगह देना जनाधार वाले नेताओं को सबसे ज्यादा नजर है उन पर, और हर तरह के विकल्प खुले हैं, सीधे पार्टी में शामिल हो या छोटी पार्टी बनाए, जहां वोट बैंक में जो मजबूत उसे पाले में लाना, हर इलाके के लिहाज से अलग अलग रणनीति बनाना। तो अखिलेश यादव सपा दफ्तर में रोज नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, छोटे दलों के साथ गठबंधन के फॉर्मूले को भी धार दे रहे हैं, जो अब तक जिस तरह से गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं उससे बात साफ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की जिसने पूरे देश की